हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। जैसा कि आप जानते हैं, जो आईपीएल में मैच खेला जाना है दिल्ली और राजस्थान के बीच में, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोनों की प्लेइंग इलेवन की और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। क्योंकि आपको पता है दिल्ली और राजस्थान लगातार मैचेस हार रहे हैं, तो वो अपने प्लेइंग इलेवन में कोई भी चेंज कर सकता है, तो उन चेंजेस की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, जिससे आपकी कोई भी न्यूज़ मिस नहीं होगी। अगर आपकी कोई भी न्यूज़ मिस नहीं हुई तो आप एक बेटर टीम बना के अच्छा विन कर सकते हो। और हम इस वीडियो में बात करेंगे साथ ही ड्रीम इलेवन की टीम की और वेव इलेवन की टीम की। तो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिए। उससे होगा ये कि फ्यूचर में मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं दोनों की प्लेइंग इलेवन की और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की। तो ये दिल्ली दिल्ली का होम ग्राउंड फिरोजशाह कोटला के स्टेडियम में खेला जाना है। यहाँ का फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहता है वो रहता है 157 का और सेकेंड इनिंग का रहता है 146 का। लेकिन ये एवरेज स्कोर मुझे लगता है कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा है और दोनों ही टीमों में अच्छे प्लेयर्स हैं, तो आपको 180 प्लस स्कोर देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इस आईपीएल में अब तक राजस्थान रॉयल्स ने 7 मैच खेले हैं, उनमें से राजस्थान 3 मैच जीत चुका और 4 मैच राजस्थान रॉयल्स हार चुका है। वहीं बात करते हैं हम दिल्ली की, तो दिल्ली ने अब तक 8 मैच खेले हैं इस आईपीएल में, 2 ही मैच दिल्ली जीत पाया है और 6 मैच दिल्ली हार चुका है। तो दोनों ही टीमें अपने प्लेइंग इलेवन में कोई भी चेंज कर सकती है। तो हम बात करते हैं पहले दिल्ली की प्लेइंग इलेवन की। पृथ्वी शो को लगातार मौका दिया जा रहा है, बस इन्होंने एक ही मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। जो गौतम गंभीर बेंच में बैठे उनको मौका दिया जा सकता है ऋषभ पंत की जगह, ये एक चेंज हो सकता है। बहुत ही कम चांसेस है लेकिन चेंज हो सकता है ये। आगे बात करते हैं कोहली मुंड्रो श्रेयस अय्यर ऋषभ पंत ग्लेन मैक्सवेल और विजय शंकर, ये आपको कन्फर्म है जो 99% खेलते हुए नजर आ जाएंगे अगर लास्ट टाइम में कोई इंजरी नहीं हुई तो। अब हम बात करें राहुल त्रिवाठिया की। राहुल त्रिवाठिया पिछले मैच में उनका बहुत ही बुरा परफॉर्म रहा था और 2 मैचों से इतना अच्छा परफॉर्म इनका नहीं जा रहा, तो इनकी जगह जयदेव यादव बेंच में बैठे इंटरनेशनल प्लेयर है, इनको मौका इनकी जगह दिया जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस है, लेकिन ये भी चेंज हो सकता है। आगे हम बात करते हैं लियाम पलंकित। लियाम पलंकित को 3 मैचों में मौका दिया गया, एक ही मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, 2 मैचों में इनका बहुत ही बुरा परफॉर्म रहा। इनकी जगह जूनियर डाला को मौका मिल सकता है। आपको पता है साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं, इंडिया के सामने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने T20 में, तो जूनियर डाला जो बेंच में बैठे हैं इनको मौका मिल सकता है। ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहो तो जूनियर डाला को आप एक टीम में कैप्टन बना के रख सकते हो। अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं ये तो आपको वन साइड लीग ग्रांड लीग विन करा सकते हैं। अमित मिश्रा, ओवेस खान और ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट का भी पिछला मैच अच्छा नहीं गया था, लेकिन मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट आपको यहाँ पे खेलते हुए नजर आ जाएंगे। जूनियर डाला इनकी जगह नहीं खेलेंगे, मुझे ये लगता है कि ट्रेंट बोल्ट आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पे चेंज हो सकता है कि लियाम पलंकित की जगह जूनियर डाला को मौका मिल सकता है, ये एक चेंज हो सकता है। बाकी अगर कोई भी न्यूज आएगी तो मैं आप तक सबसे पहले न्यूज पहुंचा दूंगा नेक्स्ट वीडियो बना के। अगर आपने सब्सक्राइब मेरा चैनल कर रखा है तो आप तक नोटिफिकेशन है जो पहुंच जाएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्लेइंग इलेवन की। तो अजिंक्य रहाणे, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, बेन स्टोक्स, जोस बटलर। जोस बटलर को हमने देखा है हर मैच में इनको मौका दिया जा सकता है, लेकिन परफॉर्म इतना अच्छा नहीं जा, लेकिन बहुत ही बड़े प्लेयर है। लेकिन राजस्थान की टीम में एक और विकेट कीपर के लिए राजस्थान के पास ऑप्शन है, वो हेनरिक क्लासेन। हेनरिक क्लासेन को भी मौका दिया जा सकता है, ये भी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, तो ये एक चेंज हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है 70% जोस बटलर के ही खेलने के चांस है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। आगे हम बात करते हैं महिपाल लेमलोर की। इनको मौका दिया गया, इतना अच्छा परफॉर्म इनका नहीं जा रहा, तो इनके जगह स्टुअर्ट बिनी बेंच पे बैठे इनको मौका महिपाल के जगह मिल सकता है। आगे बात करते हैं गौतम, जोफ्रा आर्चर, ईशोडी, धवन कुलकर्णी और जयदेव उनादकट। तो ये प्लेइंग इलेवन मुझे लगता है आपको राजस्थान रॉयल की इस मैच में खेलती हुई नजर आ जाएगी। अगर कोई भी न्यूज आई या कोई भी इंजर्ड की न्यूज आई तो मैं आप तक नेक्स्ट वीडियो बना के पहुँचा दूंगा। तभी बोल रहा हूँ आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप ही का फ़ायदा होगा। तो हम बात करते हैं अब टॉप 11 प्लेयर्स की पॉइंट टेबल की, जिन्होंने अब तक सबसे अच्छा परफॉर्म किया इन दोनों टीमों में से। फर्स्ट नंबर पे है ऋषभ पंत, जो ज़बरदस्त फॉर्म में 226.5 पॉइंट के साथ है। सेकंड नंबर पे श्रेयस अय्यर 201 पॉइंट के साथ। थर्ड नंबर पे संजू सैमसन 187 पॉइंट के साथ। फोर्थ नंबर पे अजिंक्य रहाणे 157 पॉइंट के साथ। फाइव नंबर पे ट्रेंट बोल्ट 146 पॉइंट के साथ। अब देखिए ट्रेंट बोल्ट ने अच्छे पॉइंट जला रखे अपनी टीम के, अच्छे पॉइंट इन्होंने दिला रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता ट्रेंट बोल्ट की जगह जूनियर डाला खेलेंगे, मुझे ये लगता है ट्रेंट बोल्ट आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। तो सिक्स नंबर पे है ग्लेन मैक्सवेल 136.5 पॉइंट के साथ। सेवन नंबर पे बेन स्टोक 116 पॉइंट के साथ।
8 नंबर पर जोस बटलर 115.5 पॉइंट के साथ, 9 नंबर पर राहुल त्रिवाटिया 110.5 पॉइंट के साथ, 10 नंबर पर गौतम 108.5 पॉइंट के साथ, और लास्ट पे विजय शंकर जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी और एक विकेट भी लिया था 81.5 पॉइंट के साथ। तो ये प्लेइंग 11, ये पॉइंट टेबल मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो सके कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो अब तक इन दोनों टीमों में से इस आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे आप एक खुद से बेटर टीम बना के अच्छा विन कर सको। फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी टीम की कॉपी मत करना, आप अपना थोड़ा बहुत नॉलेज यूज़ करो और एक अच्छी टीम बनाओ और अच्छा विन करो। अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की। तो अजिंक्य रहाणे, बेन स्टोक, संजू सैमसन, कोलिन मुंड्रो, ग्लेन मैक्सवेल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, ये 7 प्लेयर ऐसे इनको लोग 80 से 85% अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो लियाम प्लंकेट, विजय शंकर, पृथ्वी शो, ट्रेंट बोल्ट, जोस बटलर, ईश शोडी, राहुल त्रिपाठी और जोफ्रा आर्चर जबरदस्त फॉर्म में है। जोफ्रा आर्चर हर मैच में 3 विकेट ले रहे हैं, इनको 2 मैचों में खेला गया, दोनों ही मैचों में इन्होंने 3-3 विकेट लिए हैं। तो ये 8 प्लेयर ऐसे हैं, अगर आप इन्हें अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हो, अगर ये खेलते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको वन साइडली ग्रांड लीग विन करा सकते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही कम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। अगर आप कुछ कॉम्बिनेशन के हिसाब से रखना चाहते हो तो इनमें से किसी को कैप्टन और इनमें से किसी को वाइस कैप्टन, या आप इनमें से किसी को कैप्टन और इनमें से किसी को वाइस कैप्टन रख के अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से टीम बना सकते हो। अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करके आप एक बेटर टीम बना के अच्छा विन कर सकते हो। तो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के समझा दूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप तक नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाएगा। अब हम बात करते हैं वेव 11 की टीम की, फिर हम बनाएंगे ड्रीम 11 की टीम। तो ये वेव 11 का ऐप बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, जैसे हम ड्रीम 11 खेलते हैं बहुत ही ईजी ऐप है, वैसे ही वेव 11 बहुत ही ईजी ऐप है। वेव 11 अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो वेव 11 की ऐप की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे रेफरल कोड है 9C871। अगर इस रेफरल कोड के साथ आप साइन अप करोगे तो आपको 100 रुपये का बोनस भी मिलेगा, जिससे आप वेव 11 खेल सकते हो और अच्छा विन कर सकते हो। और वेव 11 की जो ख़ास बात है, अभी तक किसी भी ऐप में नहीं है कि इसमें हम 1 रुपये भी विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है और आपका प्लेयर भी वेव 11 में मिस नहीं होगा, क्योंकि हम टॉस होने के बाद में अपनी टीम एडिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, मेरे कहने से एक बार आप इस ऐप को डाउनलोड करो और इस ऐप पे साइन अप करो, थोड़े बहुत पैसे डिपॉजिट करो, अब कम डिपॉजिट के साथ अच्छा विड्रॉ करोगे, क्योंकि आपका प्लेयर मिस नहीं होगा। अगर आपका प्लेयर मिस नहीं होगा तो आपका लॉस भी नहीं होगा। तो आइए हम बात करते हैं वेव 11 की टीम की। तो आपको लीग ज्वाइन करके कोई भी विकेट कीपर सेक्शन पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने विकेट कीपर सेक्शन के ऑप्शन आ जाएंगे। जोस बटलर, ऋषभ पंत और नमन ओझा, नमन ओझा मुझे नहीं लगता खेलेंगे, ऋषभ पंत और जोस बटलर एकदम सेफ ऑप्शन आपके लिए। तो मैं ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा क्योंकि क्रेडिट भी दोनों के सेम है। तो हम जोस बटलर के साथ जाते हैं क्योंकि ये जो मेरा स्क्रीन पे है इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। जोस बटलर पे से ऑप्शन, आप जोस बटलर के साथ जा सकते हो। हम बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की, तो मैं यहाँ पे पिक करूँगा अजिंक्य रहाणे, कोलिन मुंड्रो, संजू सैमसन और हेनरिकेज क्लासेन। रिस्की है आपके लिए, लेकिन मैं आपको वेव 11 की टीम दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि आप वेव 11 में टीम कैसे बना सकते हो। हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैं बेन स्टोक्स, ग्लेन मैक्सवेल और डेनियल क्रिश्चियन। हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो अमित मिश्रा, जयदेव उनादकट, लियाम पलंकित, तो ये टीम में मैंने बनाई वेव 11 की। तो यहाँ पे आपको डन करना है, डन करने के बाद में आपके सामने फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा, वेव 11 का फाइनल प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद में आपको पिक करना है कैप्टन वाइस कैप्टन। तो आप कोई भी कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में पिक कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप सेव अपनी टीम कर सकते हो। तो एक बार आप लीग ज्वाइन करो तो कोई भी टीम बना के आप लीग ज्वाइन कर सकते हो। जब फिर टॉस होगा, फिर दोनों की प्लेइंग 11 हमारे सामने आ जाएगी कि कौन से प्लेयर जो है खेल रहे हैं आज के मैच में, फिर आप अपनी टीम एडिट कर सकते हो। इसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके लिए, जिससे आपका लॉस है जो नहीं होगा। अगर आप बड़ा अमाउंट विन नहीं करोगे तो आपका लॉस भी नहीं होगा, और ज़्यादा चांसेस इसमें बड़ा अमाउंट विन करने का ही है, क्योंकि आपका प्लेयर तो मिस होगा नहीं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, इस ऐप का जो आपको लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इस ऐप के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो मैं ऊपर आई बटन में मेरे वीडियो बनाया हुआ है इस ऐप का, तो मैं ऊपर आई बटन में आप
को लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो या आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन की टीम की जो मैंने आपके लिए बनाई है। यहाँ पे भी विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास तीन ही ऑप्शन रहने वाले हैं, ऋषभ पंत, जोस बटलर और नमन ओझा। पहले ही बोल देता हूँ कि जोस बटलर, जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा आपके इसकी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि बहुत ही बड़े प्लेयर हैं तो मुझे ये लगता है कि जोस बटलर ही आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। तभी मैंने इस टीम में जोस बटलर को पिक किया क्योंकि इनके क्रेडिट भी कम है। आप ऋषभ पंत के साथ एकदम सेफ जा सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है और अभी ज़बरदस्त फॉर्म में भी है, तो आप ऋषभ पंत के साथ एकदम सेफ जा सकते हो। हम बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने चार बैट्समैन को पिक किया, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और विजय शंकर। और ऑप्शन की बात करूँ तो गौतम गंभीर का मैंने आपको बता दिया, 2-3% चांस है इनका खेलने का, लेकिन हो सकता है इनको खिलाए जाए। कोलिन मुंडो आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, जैसन रॉय मुझे नहीं लगता खेलेंगे, पृथ्वी शाह को मैंने आपको बता दिया 97% यही खेलेंगे, हेनरिकस क्लासन 1% खेल सकते हैं, राहुल त्रिपाठी आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, DRC शॉट को मुझे नहीं लगता मौका दिया जाएगा। बाकी आपको पता है लगातार दोनों ही टीमें मैचेस हार रही है, तो अपने प्लेइंग इलेवन में ऐसे चेंज कर सकती है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और ऑप्शन की बात करो तो सारे ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को मौका मिलेगा। हम बात करते हैं ऑलराउंड सेक्शन की, तो मैंने तीन ऑलराउंड को पिक किया है, बेन स्टोक्स, ग्लेन मैक्सवेल और गौतम को। और ऑप्शन की बात करो डेनियल क्रिश्चियन, राहुल त्रिवाठी, डेनियल क्रिश्चियन तो यहाँ पर नहीं खेलेंगे, राहुल त्रिवाठी आपको ज़्यादा चांस में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। और ऑप्शन की बात करो तो स्टुअर्ट विनी को मौका मिल सकता है इसमें में, लेकिन बहुत ही कम चांस है। महिपाल की जगह इन दोनों का 50-50 में कहूँगा, आप ग्रैंड लीग में इन दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए रिस्क रहने वाले हैं और इन दोनों को मौका नहीं मिलेगा। बाकी आपको पता कोई भी चेंज हो सकता है। हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने तीन बॉलर को पिक किया, जोफ्र आर्चर, अवेश खान और जयदेव उनादकट। और ऑप्शन की बात करो ट्रेंट बोल्ट आपको मुझे लगता है 99% खेलते हुए नजर आ जाएंगे, अमित मिश्रा आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, लियाम प्लेंट प्लंकेट का मैंने आपको बता दिया कि जूनियर डाला इनके जगह खेल सकते हैं, तो ये एक चेंज हो सकता है। शहबाज नदीम को मुझे नहीं लगता मौका मिलेगा, बेन लाफलिन को मौका नहीं मिलेगा, धवन कुलकर्णी आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, हर्षद पटेल नहीं खेलेंगे, जयदेव यादव को मैंने आपको बता दिया इनके जगह ये खेल सकते हैं, जूनियर डाला ये एक आपके लिए डिफरेंशियल पिक साबित हो सकता है। देखिए कितने परसेंट लोगों ने इनको लिया है, 1% लोगों ने भी इनको नहीं ले रखा है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं। अगर आप इन्हें अपनी टीम में कैप्टन बनाते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको वन साइड लीग ग्रांड लीग विन करा सकते हैं, और मुझे लगता है इनके हाई चांसेस है खेलने के। और बाकी और ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन इशोडी और श्रेयस गोपाल, श्रेयस गोपाल नहीं खेलेंगे, इशोडी आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, और बाकी ऑप्शन तो सारे अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता किसी को मौका दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की, तो इस टीम में मैंने कैप्टन रखा अजिंक्य रहाणे को, वाइस कैप्टन मैंने रखा संजू सैमसन को। हम करते हैं यहाँ पे टीम को सेव और बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की, तो ये मेरे ड्रीम इलेवन टीम का फाइनल प्रीव्यू रहने वाला है। अगर आप इस टीम के साथ खेलना चाहते हो तो अगर आपका लॉस हुआ तो भाई मुझे मत बोलना, क्योंकि मैंने मेहनत ऐसे ही नहीं की इतनी, मैंने आपको एक एक चीज़ है जो डिटेल में समझाई है, जिससे आप खुद से एक बेटर टीम बना सको और अच्छा विन कर सको। अगर आप इस टीम के साथ जाओगे तो आपका लॉस भी हो सकता है, अगर प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर आपका लॉस होगा तो मेरा भी लॉस होगा, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो मेरा भी प्रॉफिट होगा। अगर आपको सिक्स ग्रैंड लीग्स की ड्रीम इलेवन की टीम चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या मुझसे बोल सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिक्स ग्रैंड लीग्स की ड्रीम इलेवन की टीम बना के दे दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, सब्सक्राइब करने का जो फ़ायदा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, धन्यवाद।